तो अभी है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम आज सुबह 4 बजे उठे थे पेपर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पे इस प्लांट की पीली पत्तियाँ हटा रहा था, तो मैंने इसकी सारी हटा दी थी और इस पे जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे बैठा था, इस जगह पे गिरगिट बैठा था। मैं एकदम उसको, मतलब एकदम वो हिला तो मैं देख के डर गया जैसे कुछ सांप वाप ना हो, लेकिन इस एरिया में सांप कहाँ आ सकता है। और वो गिरगिट बैठा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे घर का न्यू मेंबर चिंटू, इससे भी आप मिल लीजिए भाई साहब, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जानवरों की और इंसेक्ट्स की कमी नहीं है। ये देखिए बर्रिया का छत्ता, ये पहले इत्तू सा छत्ता था और अब देखिए कितना बड़ा हो गया। इन बर्रियाओं ने 2 बार मुझे बेफिजूल में काटा है, मैंने ना इनको छेड़ा ना कुछ किया, लेकिन तब भी 2 बार बेफिजूल में काटा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स पापा मम्मी क्या कर रहे हैं। पापा मम्मी, अच्छा ये राख क्यों मिला रहे हैं पापा इसमें? कीड़ा लग गया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग राधे राधे। जो कल से काम करने को पड़ा था वो आज कर रहे हैं। इतनी ज्यादा राख का क्या हुआ? ऐसे तो कीड़े मर जाएंगे बेटा, कीड़े मरेंगे राख से। दादी से पूछा, दादी ने भी यही बताया है। तो नीम का पत्ता मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहता है। बस इतना ही डालो, सारे में कर दो, सारे में, इसमें भी डाल दो, उस वाले पालक में भी डालो। और इधर आज हमारे फ्लावर्स पे, अभी फ्लावर्स खेले नहीं है, बस इनके बर्ड्स आ गए। जैसे ये छोटा सा बर्ड्स 9 बजे खुलते हैं ना, 9 बजे, मतलब कोई करेक्ट क्लियर भी नहीं है 9 बजे ही खुले। और गेहूं सारे धुल दिए हैं मैंने और पूरा ढेर लगा दिया है, देखो पूरा ढेर लगा दिया, एक बोरी पूरा धुला है आज एक ही बार में, और इस पे बन भी नहीं रहा है तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। इसका पानी निकल जाएगा, उसके बाद देखती हूँ मैं, कुछ और कपड़ा बिछा के चादर वगैरह उस पे फैला देंगे। और सर जा चुके हैं नीचे क्योंकि सर को स्कूल जाना है, तो वो लेट हो रहे थे। मैं भी चलूँ फटाफट से नहा लूँ, बाकी काम काफ़ी हो चुका है नीचे, कुछ काम करके आए थे हम, कुछ बचा था वही अचका ने कर दिया। और निक्कू, मैं दो लोग नहाने के लिए बचे हैं, ये मेरे भरोसे बैठा है। हाँ मैं नहीं लाई हूँ, तुम्हारा पुरुष ऊपर ही होगा, जाओ। सर रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, तैयार खड़े हैं सर एकदम। तुरंत जा रहा हूँ मैं, तुरंत न जाओ, मुझे 2 मिनट में पानी डाल लेने तो प्लीज। नहीं, लेट हो जाओ। ये कहते हैं ना, घर से कोई निकलता है तो नहाते नहीं, बस 2 मिनट में पानी डाल लेने। नहाओ यार, नहाओ आज, ना नहाओ, छोड़ो, अभी लेट नहीं हो रहा, अभी तो 8:17 हुए हैं। घर में मुझे समय से जाना, प्लीज 2 मिनट दे दो हमें सर। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे घर पे, और सर ना कहते कहते भी स्कूल जा चुके हैं, तो अब मुझे 1 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, हमको लगा सबके यही बोला जाता होगा शायद, कि कोई घर से निकलता है तो नहाया नहीं जाता। और मैं रही थी अभी तक गया हूँ धुलने में, पूरा नीचे से ऊपर तक भींग गई हूँ मैं, पर फिर भी मुझे वेट तो करना ही पड़ेगा भाई, जो नियम रूल है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोई नहीं, तब तक देखते हैं कुछ और काम कर लेते हैं, वैसे काम कुछ है नहीं, मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, केवल मुझे नाक की पूजा करनी है। बच्चों ने पूजा तो कर दी है, पर मैं भी नाक की पूजा करूँगी, उसके बाद चाय नाश्ता करूँगी, क्योंकि जब तक आती थी तब तक चाय नहीं पीती हूँ। सर से रिक्वेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं निकला, और नहीं रुके तो नहीं रुके। और ना दो के मैं आ चुकी हूँ, इधर चल रही है ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट चल रहा है आज, ब्रेकफास्ट में अप्पे। और मैं आई, जब तक बाथरूम से मैं आई तब तक कांड दिखाती हूँ मैं आपको। तो इधर चल रही थी मीठे अप्पे बनाने की तैयारी, मफिन बनाने की तैयारी, कलर मिल गया है तवा में और मफिन में, कोई फर्क चल रहा है, फर्क नहीं लग रहा है कुछ, तो इन्होंने चॉकलेट पाउडर और बॉलमीटा वगैरह डाल रखा है, इस वजह से कलर हुआ है, और कुछ जला दिया है, मतलब मौके का पूरा फायदा उठा लेते हैं। देखेंगे अगर मम्मी बाथरूम वगैरह में तो पर से किचन में लग जाते हैं। और मैंने बनाई सिलवटे पे चटनी की, ये चटनी बनाई है, ये और सिल पे बनाई, सिल पे बनाई है, देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, अब टेस्ट में पता चलेगा। कौन है? देखो पापा है क्या? क्या? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखो हाँ हेलीकॉप्टर में जा रहा था। हेलीकॉप्टर जा रहा है? हाँ। इसको भाई एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने ज्यादा क्यों पसंद है, बहुत पसंद है। मैं तो सोच रही हूँ इसको ना डीएम ना बना के एयरफोर्स में भर्ती करूंगी, इसको उड़ाता रहा करेगा पूरे दिन हेलीकॉप्टर और वो एरोप्लेन, एयरफोर्स में भर्ती कर देंगे तुझको, मेहनत करो एयरफोर्स में लग जाना, पढ़ाई करो अच्छे से, नर्सरी क्लास से आगे बढ़ोगे तब।
बहुत मेहनत करोगे तब बनोगे। इतनी जल्दी बड़े नहीं होगा या हर महीने में क्लास तो नहीं बदलोगे? अच्छा टेबल से बड़े हो गए हो, हर वक्त यही रहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। ये कहाँ से बड़े हो गए? मुझसे नपो पहले, मेरे बराबर खड़े हो पहले, देखो यही तक आ पा रहे हो तुम, अब मुझे देखो कहाँ तक हूँ मैं। टेबल से क्या लेना देना है, बहुत बड़े कहीं नहीं हो गए। चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसका, तो बस एक ही डायलॉग रहता है, डीएम बनूंगा, हेलीकॉप्टर चलाऊंगा, एरोप्लेन चलाऊंगा। अभी मैं बना रही हूँ शाही पनीर, उसके लिए जो लहसुन प्याज जो भी है टमाटर और कुछ खड़े मसाले डाल के इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। ये डाल दिए मैंने खड़े मसाले, अब इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज और अदरक। और ये 4 से 5 लाल मिर्ची और प्याज हो चुकी हल्की ब्राउन, और इसमें डाल दिए मैंने 4 से 5 काजू और टमाटर डाल देंगे, साथ में ही डाल देंगे नमक ताकि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें और ये मसाला भुन गया है, अब इसको कर लेंगे थोड़ा ठंडा, उसके बाद बना लेंगे इसका पेस्ट एकदम बारीक का, जो कि मैं अपने पड़ोसियों से बनवाऊंगी क्योंकि मेरी मिक्सी खराब है, नहीं बन पा रही है अभी भी, ये पता नहीं कब तक खराब चलेगी। इधर दोबारा से मैंने इसमें ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें डाल देंगे अभी पेस्ट। कुछ बेसिक से मसाले, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर और पनीर मसाला, और ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, ज्यादा नहीं भुनना है, हल्का ही भुनना है क्योंकि पहले भी हम फ्राई कर चुके हैं। इसमें डालेंगे फ्रेश मलाई, ये मैंने रात को निकाली थी, फ्रीजर में थी इसलिए जम गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए, और इसमें उबाल आने देंगे। और इसमें उबाल आ चुका है, अब कर देंगे अपना पनीर इसमें ऐड, और 5 मिनट के लिए और पका लेंगे इसको। और ये हो गई हमारी शाही पनीर की सब्जी तैयार। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि पहले मैं गई थी उस समय मेरा शॉपिंग पूरी नहीं हो पाई थी, पूरी शॉपिंग नहीं हो पाई थी, कुछ भी नहीं हो पाई थी, कल एक सूट लेके निकल आए थे वो भी सर की पसंद का, तो सर की पसंद का भी चेंज करके सर दोबारा से ले आए। और अब जा रही हूँ मैं साड़ी खरीदने, कलर नहीं आएगा मोबाइल में इतना वो नहीं डाल के देखो तो वाइट नहीं। और मार्केट से मैं आ चुकी हूँ वापस, साड़ी मैं तैयार करने के लिए दुकान पे छोड़ के आई हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचाता ज्यादा, तो उधर ही दुकान पे ही तैयार करने के लिए छोड़ के आए हैं, और ब्लाउज भी सिलाने डालाई हूँ। और साड़ी का वीडियो देख के आप लोग गैस करिएगा कि मैंने कौन सी साड़ी ली होगी, देखिए किस किस की वो मुझसे पसंद मुझसे मैचिंग खाती है। बाकी का सामान तो कल देखने के लिए मिलेगा, फिलहाल मैं एक लाई हूँ चूड़ा सेट, वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस बार पहली बार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मैंने चूड़ा खरीदा है, ये चूड़ा खरीदा है फर्स्ट बार, खोल के दिखा दी, सुंदर लग रहा था मुझे और मेरी साड़ी से भी मैच कर रहा था। इस बार मैं कलर का हिंट दे देती हूँ, इस बार मैंने रेड कलर की साड़ी ली है, रेड, ये चूड़ा। बताइएगा चूड़ा मेरा कैसा लगा, और साड़ी तो कल दिखाऊंगी मैं, कल शाम को
शाम के लगभग दिखाऊंगी। और यही रहेगा आज के ब्लॉग में। ब्लॉग अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि हमारे सर जैसे जो लोग होते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, वो थोड़ा मोटिवेट होते रहे। सर के लिए भर भर के कमेंट कर देना, सर के लिए भर भर के कमेंट कर देना, क्योंकि आज मैं खुश हूँ ना, आज देवी माँ खुश है तो सर को भी खुश होना चाहिए। सर के आज जबरदस्त खर्चा कराई हूँ मैं, उससे सूट लेके आई थी, आज साड़ी लाई हूँ, बाकी ये छोटा मोटा कॉस्मेटिक का सामान है, उसमें क्या दिखाने वाला, वो तो डेली यूज वाला सामान है, बाकी चूड़ा मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और चूड़ा कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, मैं फर्स्ट वाली हूँ, मुझे सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया।